पूरी घटना हुई जो हम देख रहे, पीछे भी गाड़ी टूटी खड़ी है और पूरा जो घर में जो इस तरह से मेरा का भी तोड़ रखा, सगला भीतर ना गए अभी नहीं, हम अंदर होके आए हैं, सब फ्रिज टूटा पड़ा है, फल बिखरे पड़े हैं, 50 आदमी आए रात को, सिपाही पुलिस पीएसी भी ही और वैसे भी ये मुस्सु भी कहीं उठाओ इसे जी। मैं मुझे मेरे सांस का दौरा है जी। आपने पूछा नहीं कि वजह क्या है? ना कोई वजह नहीं बता रहे, तोड़ फोड़ करके घर निकल गए, तंदेर में तोड़ फोड़ करके चले गए, वजह का है कि उन्होंने कुछ बताई। तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि जीतू का नाम बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है इस घटनाक्रम में जीतू शामिल थे, गाय को शामिल है, यहाँ गायों के चक्कर में कोई चला गया, बालक तमाशा देखने को नहीं कोई भी ना, वहाँ वहाँ जब ईंट पत्थर फेंके उन्होंने चिंगरावटी वालों ने, जब बालक सब घर को भग गया। तो फिर अब जीतू फिर कहाँ चले गए? अब तो अपनी ड्यूटी पे गया वो, तो जब ही अच्छा परसों का गया है, पड़े दिन का जब ही चला गया, तो मतलब उस वक्त वैसे थे वो, छुट्टी आए हुए थे? छुट्टी छुट्टी खत्म हो गई उसकी। अच्छा छुट्टी खत्म हो गई उसकी, 5-4 दिन हो गए जब ही भग गया ड्यूटी पे। तो फिलहाल आपने देखा कि जो पूरा जो घर है वहाँ तोड़फोड़ मची हुई है, और परिजन जो है इनका कहना है कि जीतू अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद वापस चला गया है। हालांकि पुलिस अभी तलाश कर रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जीतू को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी जा चुकी है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।